कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार तो पहले से ही फंसी हुई थी, लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले का असर हरियाणा की राजनीति पर दिखना शुरू हो गया है। राज्य की बीजेपी सरकार मुश्किलों में फंस गई है। हालात ये हो गए हैं कि खट्टर सरकार गिरने की हालत में पहुंच गई है। उसके सहयोगी एक एक कर उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो कैसे मुश्किल में फंस गई है बीजेपी सरकार, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे अन्नदाताओं के आंदोलन का असर पूरे देश में दिख रहा है। बीजेपी को कोई राह नहीं दिख रही है। पंजाब के बाद आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा में दिख रहा है। यहां बीजेपी की गठबंधन सरकार है, लेकिन अब ये सरकार मुश्किल में फंस गई है। हरियाणा में भाजपा सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने किसान आंदोलन पर बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार में दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री रहते हुए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। अगर किसानों को एमएसपी पर नुकसान हुआ तो फिर दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, साथ ही जेजेपी भी सरकार से अलग हो जाएगी। जेजेपी ने केंद्र सरकार से आंदोलनरत अन्नदाताओं की एमएसपी आदि से जुड़ी मांगों का जल्द हल निकालने के लिए कहा है। जेजेपी के प्रवक्ता प्रतीक सोम ने कहा कि चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाली जेजेपी एक प्रो फार्मर पार्टी है। जेजेपी ने केंद्र सरकार से किसानों की सभी मांगों पर विचार करने की मांग की है। जेजेपी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहने वाली पार्टी है। आपको बता दें कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार जेजेपी के सहयोग से चल रही है। ऐसे में जेजेपी हरियाणा में बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेती है तो खट्टर सरकार का गिरना तय है। जेजेपी का मुख्य आधार ग्रामीण क्षेत्र में है और पार्टी को इस बात का डर है कि यदि आंदोलन लंबा चला तो उसका असर पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। जेजेपी ने साफ कह दिया है कि किसानों के हक में वो सरकार से अलग हो सकते हैं और सरकार से समर्थन भी वापस ले लेंगे, जिससे राज्य में खट्टर सरकार का जाना तय हो जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर को पद छोड़ना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।